हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओनली एसएससी। और अभी देखेंगे 19 फरवरी सेकेंड शिफ्ट में आए हुए जीके क्वेश्चन, केवीएस एग्जाम जो चल रहे हैं उनके, जो केंद्रीय विद्यालय के एलडीसी का जो पोस्ट है उसका एग्जाम चल रहा है 19 फरवरी, आज ही से स्टार्ट हुआ है। और उसके सेकेंड शिफ्ट के जीके क्वेश्चन देखे हैं। और आपने फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन नहीं देखा है तो जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है, वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेकेंड शिफ्ट का कैसा क्वेश्चन आया हुआ है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन था 5 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो इसका आंसर होगा विश्व मृदा दिवस, मतलब वर्ल्ड सॉयल डे मनाया जाता है 5 दिसंबर को। ये क्वेश्चन था। और नेक्स्ट क्वेश्चन था, तिब्बत में कौन सी नदी नहीं निकलती। तो उसमें ऑप्शन था ब्रह्मपुत्र नदी, रवि नदी, सतलज नदी। तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा रवि रिवर। तो रवि रिवर है वो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ जिले में रोहतांग दर्रे से निकलकर हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान में बहते हुए झांग जिले की सीमा पर चिनाव नदी से मिल जाती है, और जिस पर थीन बांध बना हुआ है। तो ये जाके पाकिस्तान में चिनाव नदी से मिल जाता है रवि नदी। तो ये तिब्बत से नहीं निकलता है, ये हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन था, पेटा पर्सन ऑफ द ईयर 2017 किसको मिला है अवार्ड। तो इसका आंसर होगा अनुष्का शर्मा को मिला है पेटा पर्सन ऑफ द ईयर। और नेक्स्ट क्वेश्चन था कि NBMMP में एम का क्या मतलब है। तो इसका आंसर होगा मैन्योर। तो पूरा फुल फॉर्म क्या होगा, नेशनल बायोगैस एंड मैन्योर मैनेजमेंट प्रोग्राम NBMMP। ये प्रोग्राम है गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किया गया है बायोगैस को इम्प्रूव करने के लिए। और इसका लॉन्च किया गया था 1982 में। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिव कपूर किस खेल से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा गोल्फ। फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ था जसवीर सिंह के बारे में किस खेल से संबंधित है, अभी आया शिव कपूर। तो जो खेल से संबंधित है उनको जाके देख लीजिएगा, जो जो खिलाड़ी हैं खेल से संबंधित, तो क्वेश्चन आ रहे हैं, आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो जाके आप लोग देख लीजिएगा एक बार खिलाड़ियों के बारे में। और नेक्स्ट क्वेश्चन था, नोबेल प्राइज 2017 मेडिसिन में किस क्षेत्र में मिला था। तो इसका आंसर होगा बायोलॉजिकल क्लॉक को आविष्कार करने के खोज में मिला है नोबेल प्राइज 3 वैज्ञानिकों को, अमेरिका के हैं। तो पहला हैं जेफरी सी माइकल, माइकल रॉस बेस, माइकल डब्ल्यू यंग को मानव शरीर की आंतरिक जैविक घड़ी बायोलॉजिकल क्लॉक विषय पे किए गए महत्वपूर्ण शोध के लिए 2017 का चिकित्सा का नोबेल प्राइज के लिए चुना गया है। तो बायोलॉजिकल क्लॉक को सर्कैडियन रिदम भी कहा जाता है। तो ये इस बायोलॉजिकल क्लॉक को शोध के लिए मिला है नोबेल प्राइज मेडिसिन में 2017 का। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन था, 1556 से 1605 के बीच में कौन सा शासक शासन किया भारत पे। तो इसका आंसर होगा अकबर। अकबर ने 1556 से अपना राजभार संभाला था और 1605 में जाकर इनका मृत्यु हो गया। ये मुगल शासक के शासक थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन था, काकोरी कांड कब हुआ था। इसका आंसर रहेगा 1925 में हुआ था। जो काकोरी षड्यंत्र एक ऐसी रेल नकैती थी जो काकोरी और लखनऊ के निकट हुई थी। काकोरी एक स्टेशन है यूपी में, जो ब्रिटिश भारतीय सरकार के खिलाफ भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 9 अगस्त 1925 को हुई थी। इसमें मेन थे राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र राहुली और ठाकुर रोशन सिंह, जिनको मृत्युदंड बाद में सुना दिया गया ब्रिटिश द्वारा। और राष्ट्रीय आंदोलन के जो मेन आते हैं क्वेश्चन बार बार, उसका मैंने दे दिया, आप लोग इसको एक बार देख लीजिएगा, आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे चौरा चौरी कांड 1922 में हुआ था, साइमन कमीशन 1927, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग इसको एक बार देख लीजिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था, क्रिप्स मिशन भी 1942 में हुआ था, कैबिनेट मिशन 1946 में हुआ था। तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन था, टेनिस का गवर्नर बॉडी इंडिया में कौन सा है। तो इसका आंसर होगा ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन। और जो अंतर्राष्ट्रीय में कौन सा है, तो अंतर्राष्ट्रीय टेनिस फेडरेशन ITF, जो विश्व टेनिस जो 1913 में स्थापना किया गया था 12 राष्ट्रीय संघ द्वारा, लेकिन जब 2016 में ये बढ़ के 211 राष्ट्रीय टेनिस संघ हो गए हैं, और 6 राष्ट्रीय संघ से संबंधित है।
और नेक्स्ट क्वेश्चन था आईसीसी टेस्ट मैच के न्यू रूल जो आया है उसके बारे में। तो इसका एक टेस्ट क्रिकेट में हर टीम के पास अब 6 अतिरिक्त खिलाड़ी होंगे, इससे पहले खिलाड़ियों की संख्या 4 हुआ करती थी। तो अब टेस्ट क्रिकेट में जो अब 6 अतिरिक्त खिलाड़ी हो सकेंगे और पहले 4 हुआ करती थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन था राष्ट्रपति के शक्ति के संबंध में एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिल सका है। और तो संबंध संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका उपयोग वह स्वयं और अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेंगे। तो ये एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिल सका है, अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में उसको लिख सकते हैं क्वेश्चन को, ताकि इसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड करा सकूं। और देखिए कंप्यूटर में कैसा क्वेश्चन आ रहा है, ज़्यादातर तो शॉर्टकट आ रहा है कि 2-4 आ रहा है, तो आप लोग देख लीजिए। मैंने दे दिया है मेन शॉर्टकट जो एमएस ऑफिस से है। और तो मेमोरी का माप भी आता है मेजरमेंट, जैसे 4 बाइट बराबर 1 निबल, 8 बाइट बीट्स बराबर 1 बाइट्स, और 1000 बाइट्स बराबर 1 किलो बाइट जो केवी होता है, और 1024 किलो बाइट्स बराबर 1 मेगा बाइट होता है, और 1000 मेगा बाइट्स बराबर 1 गीगा बाइट जो GB होता है 1 GB, और 124 गीगा बाइट्स बराबर 1 टेराबाइट। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा और शॉर्टकट को भी देख लीजिएगा। जैसे आज आया था CTRL+O, तो इसका क्या होगा, तो ये सेलेक्टेड फाइल्स को खोलता है। और CTRL+P भी आया था, तो ये प्रिंट करता है सक्रिय फाइल या चयनित दस्तावेज को प्रिंट करता है। ऐसा ही देख लीजिए आप लोग, ये शॉर्टकट की आ रहे हैं। और हिंदी में देख लीजिए गद्यांश आधारित आ रहे हैं 5 क्वेश्चन, संधि विच्छेद 1 आ रहा है, तत्सम तद्भाव 2 आ रहा है, अलंकार से 1 आ रहा है, समास से 1 आ रहा है, समानार्थी से 1 और विरोधाभासी से 1 आ रहा है, और लिंग से 1 आ रहा है, वचन से 1 और मुहावरे 1 2 आ रहे हैं। और मैथ्स में भी बेसिक क्वेश्चन आ रहे हैं, टाइम डिस्टेंस से 1 क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क से 1, एवरेज से 1, प्रॉफिट लॉस 2, SI से 2 आ रहे हैं, एज से 1 आ रहे हैं, और रेशनल सब फ्रैक्शनल 2 आ रहे हैं, सिंप्लीफिकेशन से 2 आ रहे हैं, परसेंटेज से 2। तो ये भी बेसिक बेसिक पूछा जा रहा है, तो मैथ्स में ज़्यादा हार्ड नहीं पूछा जा रहा है। तो बेसिक पढ़ के जाइएगा, आराम से आप लोग टैकल कर सकते हैं मैथ के। और GK भी करेंट अफेयर पे ज़्यादा आ रहा है, तो करेंट अफेयर को ध्यान दीजिएगा, और खिलाड़ी जो है उसका आप लोग देख लीजिएगा एक बार। तो इस वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले कोई भी वीडियो डालूँ एग्ज़ाम से संबंधित। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।